हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विच चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। जॉन स्क्रीन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अभी मेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हाँ सर। स्क्रीन देखने पर अनन्या चलती दिखाई देती है। सभी डोर के एक्सेस इनको मिल जाते हैं। बिग बॉस हाउस के अंदर भी सभी डोर खुल जाते हैं। सारे कॉन्टेस्टेंट खुश हो जाते हैं। जॉन बहुत खुश हो जाता है, मगर तभी उसको अचानक कुछ शक होता है। एक मिनट, अभी अभी घर के अंदर कुछ हो रहा था, फिर ये अचानक सब कुछ ठीक कैसे हो गया? सर, कैसे भी हुआ हो, पर ये अच्छा ही हुआ। अभी आप टेंशन मत लीजिए और शो चालू करवाइए। हाँ, वो भी तो सही है, कैसे भी क्यों ना हो, अच्छा तो हुआ, उतना ही हमारे लिए काफी है। उधर घर के अंदर चारों कॉन्टेस्टेंट एक दूसरे को बहुत जोरों से मारते हैं। अगर ये सब एक दूसरे को धीरे से मारते तो वो भूत इनको छोड़ नहीं रहा था और सबको जोरों से मार रहा था। सारे कॉन्टेस्टेंट काफी थक चुके थे। उधर बाहर अनन्या बेहोश पड़ी थी, तभी अचानक सबकी आंखें के सामने कोई अनन्या का पैर खींचकर उसे घिसेटते ले जाता है। सभी कॉन्टेस्टेंट जो एक दूसरे को मार रहे थे, अनन्या को देखकर वो शॉक हो जाते हैं। अरे जरा उधर देखो। प्रीति, राहुल और कंगना लड़ना बंद करके गार्डन की ओर देखते हैं। तभी उधर कोई अनन्या को खींच कर ले जाता है। ओ, ये क्या हो रहा है इधर? बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा ये। मैं सोच कर आई थी कि बिग बॉस में आके मेरा नाम होगा, करियर बनेगा, मगर मैं मासूम ये कहाँ आकर फंस गई। ऐसा बोलने के बाद तुरंत प्रीति जोरों से जाकर दूर गिर जाती है, जैसे किसी ने उसको जोरों से मारा हो। प्रीति जोरों से चिल्लाती है, क्या आप लोग मासूम हो? ऐसा क्या हुआ बिग बॉस? इस टास्क को रोकने के लिए आप सबको पनिशमेंट दिया जाएगा। बिग बॉस, ये बहुत गलत है। मगर आप सभी लोगों के पास और दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है बिग बॉस, पहले ये तो बताओ कि पनिशमेंट क्या है। बिग बॉस के अगले आदेश तक घर में बिजली नहीं रहेगी। अनन्या नहीं होने के कारण बाकी चार लोग चार अलग अलग रूम में रहेंगे। किसी ने भी दूसरे के रूम में जाने की कोशिश की तो उनको और बड़ी सजा मिलेगी। उधर अनन्या आंखें खोलने पर वो कोई रूम में रहती थी। मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या हुआ? अनन्या को कोई जवाब नहीं मिलता है। वो एक छोटी सी रूम में होती है, जहाँ उसे एक छोटा सा बेड, खाने पीने की चीजें और सामने एक टीवी स्क्रीन होता है। बिग बॉस घर के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सभी उसको उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था। वो देखकर अनन्या को विश्वास होता है कि वो कहाँ है। मैंने पुराने बिग बॉस के एपिसोड देखे हैं। मुझे पता है कि ये एक सीक्रेट रूम है, मुझे कुछ सीक्रेट टास्क दिए जाएंगे। सुबह से खाली पेट होने की वजह से अनन्या को चक्कर आने लगती है। रूम में रखा हुआ खाना देखकर वो अपने आप को रोक नहीं पाती और एक एक करके वो सब खाना खत्म कर देती है। जब अनन्या खाना खा रही थी तभी अचानक बिग बॉस की अनाउंसमेंट होती है और वो डर कर खड़ी हो जाती है। क्या बिग बॉस, आपने मुझे तो डरा दिया। अनन्या, बिग बॉस आशा करते है कि आप ठीक हो। आर्यन के साथ जो कुछ हुआ उसके लिए हमें बेहद अफसोस है। हमें मालूम है कि आर्यन की मौत की वजह से आपको काफी सदमा पहुंचा है और इसलिए आप इस खेल में हिस्सा नहीं ले रही, मगर उस वजह से हम ये खेल तो रोक नहीं सकते, इसलिए बिग बॉस ने आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है। ओके बिग बॉस। और हाँ, आप ये बात भूल जाओ कि आर्यन अभी नहीं है, क्योंकि आर्यन अभी भी सेफ है। क्या बिग बॉस, ये क्या बोल रहे हो आप? हाँ, वो बिग बॉस से दिया गया एक सीक्रेट टास्क है। आप सभी को धोखा देना आर्यन का एक टास्क था और आर्यन उस टास्क में जीत गए हैं। कल वो घर के अंदर आ जाएंगे, तब तक आपको भी आपका सीक्रेट टास्क करना होगा।
अनन्या ये न्यूज सुनकर बहुत खुश हो जाती है। अपने खुशी के आंसू पोंछ कर, बताओ बिग बॉस मुझे क्या करना है? इट्स वेरी सिंपल, ये बहुत आसान है। अभी घर के अंदर बिजली काट दी जाएगी। सभी कंटेस्टेंट को अलग अलग रूम में रखा गया है। हमने आपको दिए गए हुए स्पेशल अरेंजमेंट को यूज करके आपको घर के अंदर जाना है और चारों कंटेस्टेंट्स को डराना है। जो सबसे ज्यादा डर जाएगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। अगर आप ये टास्क जीत जाती हो तो आप डायरेक्टली फाइनल्स में चली जाओगी। हाँ, और अगर आप हार गई तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाओगी। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। हाँ बिग बॉस, सब कुछ समझ में आ गया। अभी मैं मेरा खेल दिखाऊंगी। वेरी गुड, बिग बॉस की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। घर के अंदर जैसे बिग बॉस ने कहा, वैसे ही एक एक कॉन्टेस्टेंट एक एक रूम के अंदर जा चुके थे। कुछ ही देर बाद बिजली चली गई। कंगना किचन में, राहुल हॉल के अंदर, मलिक और प्रीति एक एक बेडरूम के अंदर गए थे। चारों में मलिक कम डर रहा था, सोच रहा था कि उसको कुछ नहीं होगा, पर कंगना बहुत डर रही थी कि उसको कुछ हो जाएगा। पूरे बिग बॉस हाउस में अंधेरा हो चुका था। चारों कॉन्टेस्टेंट टेंशन में हो गए थे। मलिक थोड़ा बेटर था, उनके पास मोबाइल नहीं थे तो टॉर्च भी ओपन नहीं कर सकते थे, इसी वजह से और अंधेरा लग रहा था। राहुल जो हॉल में था वो बहुत टेंशन में हो जाता है, जोरों से अपनी आंखें बंद करके सोफे पे बैठ जाता है। राहुल ऐसे टेंशन में होता है तभी राहुल को अपने रूम में घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। राहुल जोरों से चिल्लाता है। राहुल की चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी कॉन्टेस्टेंट अपनी रूम के अंदर से, राहुल आर यू सेफ, क्यों ऐसा चिल्ला रहे हो करके पूछ रहे थे। सीक्रेट रूम के अंदर से अनन्या ये सब देखकर बहुत हंस रही थी क्योंकि वही वो साउंड प्ले कर रही थी। राहुल के चिल्लाने की वजह से कंगना डरने लगी। किचन में एक छोटे से टेबल पर बैठकर आसपास देखने की कोशिश कर रही थी पर अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर बाद ये सोचती है कि उधर बैठ के क्या कर सकती है। ऊपर उठ के धीरे से हाथ हिलाते हुए चलने लगी। हाथ किचन के एक मिरर को टच होने की वजह से तो समझ में आया कि वो कहाँ है। आंखें खोलने के बाद उसे हंसता हुआ कुछ दिखाई देता है। उसको देखकर वो बहुत जोरों से चिल्लाती है। एक मिनट के लिए कंगना की सांसें रुक जाती है। तुरंत करंट आ जाता है। सब रूम के लॉक ओपन हो जाते हैं। कंगना को ऑलमोस्ट चक्कर आ रहे थे। डर की वजह से वो थकी हुई थी इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। वो ये भी नहीं देख पा रही थी कि बिजली लौट आई है। राहुल भी वैसा ही डरा था। वो साउंड बंद होने पर भी वो ऐसा फील कर रहा था कि वो साउंड अभी भी आ रही है। वो भी नहीं देख पाया कि बिजली वापस आ गई है। दोनों कुछ टेंशन में थे। डोर ओपन होते ही प्रीति और मलिक इनको देखने के लिए भाग के गए। मलिक राहुल के पास और प्रीति कंगना के पास। राहुल क्या हुआ, आर यू ऑल राइट? राहुल ने कुछ नहीं बोला। हाँ राहुल, तुमसे ही बात कर रहा हूँ, तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ, मुझे अकेला छोड़ दो। मगर तुम इतने जोर से क्यों चिल्लाए? कहा ना कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो मुझे अकेला। अरे यार मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो, सभी एक ही सिचुएशन में हैं। अगर तुम कुछ बताओगे तो हम सभी को थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, इसलिए पूछा। वो बातें सुन के राहुल थोड़ा कूल हो जाता है। सिर उठा के मलिक को देखता है। मलिक पानी की बॉटल देते ही वो पूरी खत्म कर देता है और थोड़ी सांस लेके रिलैक्स हो जाता है। अभी बताओ क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो सब राहुल ने मलिक को बताया। वो सुनकर मलिक हंसने लगा। वो देखकर राहुल को गुस्सा आया। सॉरी, तुम्हारी बातें सुनकर हंसी रोक नहीं पाया। इधर घुंघरू की आवाज कैसे आ सकती है? मुझे बेवकूफ बना रहे हो ना? सच में वो आवाज आई, मानना है तो मानो नहीं तो छोड़ दो। तुम्हें विश्वास दिलाने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। इस तरह कंगना शॉक से बाहर नहीं आती। प्रीति कुछ भी बोले, कंगना शॉक में ही थी। उसके सामने वाले मिरर को देखकर डर रही थी। थोड़ी देर के बाद राहुल और मलिक भी किचन के अंदर आकर कंगना को चिल डाउन कर रहे थे। कंगना
रिलैक्स होने के बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताती है। हे, हमने पिछले बिग बॉस सीजन में भी देखा ना, मिरर में कोई भूत का पिक्चर दिखा के किसी कंटेस्टेंट को डराते हैं। ये वही है, इसमें बहुत फन होता है, नो डाउट। अबे कंगना कहाँ है और तू ये क्या बोल रहा है? अनन्या जो ये सब देख रही है सोचती है कि यही करेक्ट टाइम है और बिजली काट देती है। अनन्या हंसते हुए स्क्रीन को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो ये हंसते हंसते स्क्रीन को देखकर सीरियस हो जाती है क्योंकि किचन में चारों कॉन्टेस्टेंट हैं। बिजली कट हो जाती है पर फ्रिज ऑन ही रहता है। पूरी जगह बिजली गई है मगर फिर भी फ्रिज काम कर रहा है। देखते रहो, अभी बिग बॉस फ्रिज से निकला कुछ नया टास्क देंगे। एक बार फ्रिज ओपन करके देखे क्या? मैं तो नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल भी सिर हिलाते हुए कहता है कि वो भी नहीं जाएगा। मलिक उठकर जाते ही समय प्रीति उसको रोक कर, मैं जाऊंगी, मुझे उतना डर नहीं लग रहा है। प्रीति एक एक कदम डालकर फ्रिज डोर ओपन करती है। फ्रिज के अंदर की लाइट पूरे किचन में स्प्रेड हो जाती है। पीछे से मलिक, कंगना और राहुल डर से देख रहे हैं। अनन्या को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। वो पूरे किचन की बिजली काट देती है पर उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फ्रिज कैसे काम कर रहा है। प्रीति पूरा फ्रिज डोर ओपन करते अंदर देखने के बाद जोरों से चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। वो देखकर मलिक भी डरने लगा। राहुल और कंगना जो ऑलरेडी डर रहे थे अब वो और डरने लगे। डर से उनके पैर हिलने लगे थे। फ्रिज के अंदर देखने पर अनन्या की आंखों में आंसू आने लगे। आर्यन, आर्यन। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।